बाजी के राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है और वहीं विपक्ष भी जमकर कांग्रेस सरकार पर कर्ज माफी से लेकर विवादित बयानबाजी को लेकर घेरने से नहीं चूक रहा है। वहीं जब इस बाबत पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। धर्म की पराकाष्ठा है ये, पहले कह दिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में, खुद राहुल जी ने कहा 10 दिन में किसानों के कर्जे माफ करेंगे, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल लेंगे, 2 लाख रुपए तक के कर्जे। 10 महीने हो गए कर्जा माफ नहीं हुआ, किसान परेशान है, रेगुलर देने वाले डिफाल्टर हो गए और उनमें से कई परेशान होकर अब आत्महत्याएं कर रहे हैं और अब हरियाणा में फिर वही वादा कर रहे हैं कि 24 घंटे में कर्जा माफ कर देंगे। आखिर पराकाष्ठा होती झूठ की भी, कब तक झूठ बोलोगे, कब तक विश्वासघात करोगे, कब तक लोगों को ठगोगे। कांग्रेस पार्टी तो ठग पार्टी हो गई है। पहले ये मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों की कर्जा माफी ना कर पाने के कारण माफी मांगे और ऐसे झूठे वादे बंद करे, अब कोई झांसे में नहीं आने वाला। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक ही पार्टी के नेता हैं तो मुख्यमंत्री से तो दिग्विजय हो या ज्योतिरादित्य जी कभी भी जाके मिल सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन ट्वीट करने की जरूरत क्या है, बयान देने की जरूरत क्या है। बयान देना, ट्वीट करना कि दो ही अर्थ है, एक मुख्यमंत्री को घेर दो और दूसरे इतना दबाव बना दो कि हम जो चाहें उससे करवाएं। राहुल गांधी ने कहा 2 लाख का, 10 दिन में 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। अब कमलनाथ सही है कि राहुल गांधी सही है, पहले ये तय हो जाए, ये फैसला हो जाए।